इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन का संकट सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुंबई में भी लोगों के दम फूल रहे हैं, लोगों के दम टूट रहे। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बेड्स इस वक्त वैकेंट दिखा रहा है, जो आईसीयू के बेड्स हैं। हाँ, आईसीयू बेड्स की बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, मुझे लगता है जल्दी ही वो 700-800 बेड आईसीयू के देंगे। हमने उनसे डिमांड की है कि भी 7000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दीजिए, अभी उन्होंने 2000 के आसपास दिए हुए हैं। तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दे, दिल्ली का ये काम चल जाएगा। सर, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में क्या चेंज आया है, कुछ बेड्स बढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु दिल्ली में देखो पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाई है, अभी सभी राज्यों के एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कल कोटा बढ़ाया। देखिए, अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा, कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो सब जगह थोड़ी करके भिजवाई गई। तो ऑक्सीजन क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफी बड़ी संख्या में बढ़ जाएगा। आपसे सवाल ये है कि दिल्ली के जो नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम जिनमें सप्लाई इधर यहीं से होती है, तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है उनको नहीं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से, जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है, और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है, तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल वो भी नहीं आ पाया, कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही है दिक्कत हुई थी कि वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, किनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुंचा। सर, लेकिन 480 कर दिया गया, आपकी डिमांड हर दिन की 700 की है, बिल्कुल नहीं। अब कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने कहा कि डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी देते रहेंगे। सर, व्यवस्था कुछ हो पाई है अभी कोई सुचारू, क्योंकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि हर हाल में पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, अभी देखिएगा कल रात को कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि रात को बैठ के आदेश दिया है, और कल सारी रात लग के काफी सारी सप्लाई हुई है, और आज दिन में और लगता है रात तक इसको नॉर्मल हो जाना। राज्यों ने जो टैंकर रोके थे, आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। देखिएगा, रोकना नहीं चाहिए, उससे सभी का नुकसान है। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जो इलाज करा रहे हैं दिल्ली के लोग नहीं है, बाकी सारे राज्यों के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि आदमी लेके उसको रख लेगा, उसको यूज करने पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। सर, अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों में, कितने घंटे के ऑक्सीजन का पाया है? अलग अलग है, किसी में 6 घंटे है, किसी में 8 घंटे, किसी में 10 घंटे, किसी में 12 घंटे, तो अलग अलग है। अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं कह सकते। सर, एक बड़ी समस्या एम्बुलेंस को लेकर भी है, आप लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं मुफ्त होती है उनमें, लेकिन उनकी भी क्राइसिस हो रहा है, दूसरी तरफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है लगातार जो अस्पतालों में, वो सर लूटखोरी एक तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट एम्बुलेंस का आपने बताया, ज्यादातर दिल्ली वाली एम्बुलेंस नहीं, वो बाहर से आने वाली एम्बुलेंस है। दिल्ली के अंदर हमने कैट्स के थ्रू 750 के करीब एम्बुलेंस लगा रखी है, और हम अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, और चाहिए तो हम और बढ़ा देंगे। सर, वैक्सीन को लेकर अब रेट निर्धारित हो गया है, दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी इस पर करते हैं, क्योंकि रेट काफी ज्यादा रखा गया है, परंतु उसके ऊपर विचार करके बताएंगे। केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपने लॉकडाउन सोमवार सुबह तक का लगाया था, केसेस अगर कम नहीं होते हैं क्या ये आगे कंटिन्यू किया जाएगा? अभी इस पे कैस लगाने का टाइम नहीं है, अभी तो मतलब तीसरा दिन ही है। सर, हरियाणा के मंत्री अनिल जैन, उन्होंने दिल्ली सरकार का आरोप लगाया है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार ऑक्सीजन चोरी कर रही है। ये तो बचकाने सी बात है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार चोरी कर रही है, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।